अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है वॉरन। वॉरन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, पेन किलर होती है, जिसको कॉमनली एनसेड भी कहते हैं। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डिक्लोफेनिक सोडियम, और ये अमूमन दर्द की कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है। दर्द और सोजिश की जो कैफियत होती है उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये दर्द प्रोड्यूस करने वाले या दर्द बढ़ाने वाले जो केमिकल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उसको ये रोकती है और ब्लॉक करती है। वॉरन एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि अमूमन हर तरह के दर्द के अंदर इस्तेमाल की जा रही होती है। सबसे ज़्यादा जो है ये मसल और हड्डी और जोड़ों के दर्द के अंदर दी जाती है, कमर के दर्द के लिए भी यूज़ होती है, और उसके अलावा ये जैसे गठिया जो होता है, गाउट जिसे कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पाँव और हाथ वगैरह के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे दर्द की कंडीशन कॉज होती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। आर्थराइटिस का जो पेन होता है, जो हड्डियों की एक कंडीशन होती है दर्द की, उसमें भी ये यूज होती है। सॉफ्ट टिश्यू और मसल की जो इंजरी होती है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। माइनर सर्जरी के बाद जो पेन हो रहा होता है तो उसमें भी ये दे सकते हैं, और दांत का जो दर्द होता है अक्सर उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। रीढ़ की हड्डी के दर्द होते हैं तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे फ्रैक्चर्स या डिसलोकेशंस हो जाती हैं हड्डी की, तो उसका जो दर्द होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए वॉरन सूटेबल नहीं होती। बड़ों में जो इसका डोज होता है वो होता है 75 mg से लेके 150 mg तक। वो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से देना है, और दिन में अमूमन ये 2 से 3 दफ़ा दी जाती है डिवाइडेड डोजेस में। आपने जब भी वॉरन लेने की कोशिश ये करनी कि आपने इसको या तो खाने के साथ लेना है या आपने इसको खाना खाने के बाद लेना। वॉरन के साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो पेट में दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग और बदहजमी की कैफियत, और सीने में जलन होना, भूख ना लगना, सर में दर्द, चक्कर आना, या कभी कभार नींद की कैफियत हो जाना, कभी कभार किसी को स्किन पे रैशेज भी हो जाते हैं, कुछ केसेस में जो है वो लिवर के एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वॉरन के प्रिकॉशंस के बारे में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वॉरन के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। करंटली आपको कोई पेट या आंतों का अल्सर तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अल्सर के अंदर अगर इसको यूज़ करें तो मजीद जो है वो अल्सर की कंडीशन बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जैसे ब्लड आता है स्टूल्स के अंदर या पाइल्स की कंडीशन है तो भी इसको देखभाल के इस्तेमाल करना है। लिवर, किडनी या हार्ट की कोई डिजीज़ है या सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है खून का बॉडी में तो भी इसको देख के इस्तेमाल करना है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी को तो वो भी डॉक्टर से मशवरा करें। अस्थमा की कंडीशन है या नाक के अंदर हुदूद बने हुए हैं वो भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। जो हजरात स्मोकिंग करते हैं तो वो भी जो है इसको देखभाल के डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उन्होंने भी इसको जो है वो एहतियात करना है इसको लेते हुए, और ज़रूर मशवरा करना है डॉक्टर से। जो खवातीन 6 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो भी इसको कोशिश करें कि अवॉइड करें, और अगर यूज़ करना है तो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। इसके अलावा कुछ लोग जो दूसरी दवाएँ ले रहे होते हैं दूसरी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर की मेडिसिन हो गई या बीपी की मेडिसिन हो गई, कुछ एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स हो गए वो यूज़ कर रहे होते हैं, खून पतला करने की दवाएं यूज़ कर रहे होते हैं, या मेंटल डिसऑर्डर्स की दवाएं यूज़ कर रहे होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी जो है डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें कि वो ये दवाएं यूज़ कर रहे हैं इसके साथ।